जिंदाबाद। और एक सेवंथ पे कमीशन का जो हमें सीईओ साहब ने बोला था कि शुक्रवार तक आप पता करना, फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे जो गया ना, तो अभी तक उसका क्लियर नहीं हो पाया। चलो हम भी देखिए, कोई बात नहीं, है कि नहीं। आते ही मैंने कुछ आपके जो उनके बड़े काम थे शुरू कर दिए उनको, उसके लिए कोई टाइम नहीं मैंने मांगा। हाँ, इसके लिए टाइम मांग रहा हूँ। हर कोई चाहता है साफ सफाई, हर किसी की ये है डिमांड। रिसोर्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं सेवंथ पे कमीशन एड्रेस देना शुरू कर दूंगा तो मुझे 17 करोड़ रुपए चाहिए। अगर छोटी मोटी बात हुई 2-4 साल जो हमारे काउंसलर साहबान हैं या ट्रांसपोर्टर साहबान हैं उनके साथ मीटिंग होती थी, जो उनके इश्यूज थे हमने उनके साथ आज डिस्कस किए, जो भी उनकी प्रॉब्लम समस्या थी वो हमने सुनी आज, और काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी यहाँ पर लगा कि इन्होंने अच्छा काम किया है, काफ़ी इनकी डिमांड्स भी रही हैं। हमने इनको यही आश्वासन दिया है कि 40 FC में जितने भी इनके काम ये करवा सकते हैं इस साल के लिए, उसके लिए मैंने इनको बोला है कि आप लोग एक प्लान बना दीजिए, एक रेजोल्यूशन डाल दीजिए अपने कॉर्पोरेट ग्रुप का, जो भी ये प्लान वेट करेंगे हमें देखिए ये इस साल काम करना। काउंसलर बनी है डॉक्टर साहब ने कठुआ के अंदर दौरा नहीं लगाया था, वो आज दौरा लगाया है, और काउंसलर का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्होंने पूछा सारा। और एक तो जो था हमारा हाउस मार्क कलेक्शन वाला मसला जो था हमारा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिनको प्रोजेक्ट किया है अगर वो दोबारा चालू करना चाहे, हमने कहा कोई बात नहीं, वो शर्त है कि वो हर घर में जाए, वहाँ की जो कूड़ा कलेक्शन है वो करें, वो हमें मंजूर है, घर घर से कूड़ा उठाएं और हमारे शहर को साफ सुथरा रखें। दूसरा फंड्स के बारे में बात हुई, या हमारे जो स्टैंडर्ड वार्ड है वहाँ सफाई नहीं होती है, पुराने जो सिस्टम था उसी के हिसाब से चल रहा था, उसके बारे के भी उन्होंने हमें कह दिया, हमें मंजूरी दे दी है। वार्ड नंबर 13 से लेके 21 के बाद 15, 19, 20 और 16 ये जो वार्ड बाहर वाले हैं जहाँ सफाई नहीं होती, उसके बारे में भी अब हम 2 दिन बाद काउंसिल में मीटिंग करेंगे, उसका हम जल्दी ही डिसीजन कर लेंगे, ताकि जहाँ हमारे उन लाखों के अंदर सफाई हो, चाहे हमें कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ेगा इस शहर को साफ सुथरा करने के लिए, बाहर वाले इलाके में हम फिर कॉन्ट्रैक्ट के आगे